बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला यूं तो देश व प्रदेश की राजनीतिक गलियारे को हिलाने के लिए काफी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाइक बोर्ड के पीड़ित निवेशकों की शिकायत है कि मीडिया के प्रमुख स्तंभ पैसे के आगे झुक गए हैं। संभवतः यही कारण है कि उनकी खबरें टीवी चैनलों से दूर हैं। बाइक बोर्ड घोटाले में लाखों लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं और गंभीर बात यह है कि पैसा लुटाने वालों में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले फौजियों की संख्या सर्वाधिक है। यह संख्या करीब 6 लाख बताई जा रही है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन बदमाशों को मुंह से ठाएं ठाएं की आवाज़ निकालकर डराने वाली पुलिस ने महाघोटालेबाज संजय भाटी पर 38 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद हाथ नहीं डाला। उसके मिलीभगत से आत्मसमर्पण करने के बाद उसके कुछ छोटे मोटे साथियों पर जरूर पुलिस ने हाथ डाला, लेकिन बड़े मगरमच्छों से पुलिस अभी तक दूरी बनाए हुए है। पीड़ित निवेशकों का कहना है कि कमलेश तिवारी के हत्यारों को यदि 24 घंटे में आसमान पाताल एक कर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन लोगों पर इतनी मेहरबानी क्यों जिन्होंने लाखों लोगों को सड़कों पर ला दिया है और वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। अब एक बार फिर पीड़ित निवेशकों ने हुंकार भरी है कि 4 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाइक बोर्ड घोटाला अब किसी से भी अछूता नहीं रहा है। इसका कारण भी है, इसमें फंसी रकम 42,000 करोड़ से ज़्यादा है और फंसने वालों की संख्या भी लाखों में जो पहुंच गई है। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय भाटी ने बाइक बोर्ड के नाम पर ऐसा जाल बुना कि हर कोई इसमें फंसता चला गया। इसमें फंसने वालों में फौजियों की संख्या सर्वाधिक है। संभवतः यही कारण रहा कि 20 जाट रेजिमेंट से 2017 में सेवानिवृत्त होकर बुलंदशहर सियाना गांव खाद मोहन नगर निवासी पुष्पेंद्र ने देखते ही देखते 35 से 40 हज़ार लोगों को संजय भाटी के जाल में लाकर डाल दिया। इसमें अधिकतर फौजी हैं। संजय ने मोटा लाभ पाकर पुष्पेंद्र को फॉर्चुनर कार उपहार स्वरूप दे दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान 8 से 10 करोड़ रुपए पुष्पेंद्र डकार गया। सेना की नौकरी और उसके बदले मीठी बातों में फंसाकर 10 करोड़ रुपए कमाना भला कौन होगा जो सेना अथवा अन्य सरकारी नौकरी से वीआरएस न ले लेगा। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। बाइक बोट कार्यालय पर धरनारत पीड़ित निवेशकों का कहना है कि उनके दबाव में पुलिस ने पुष्पेंद्र जैसे मोहरे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मास्टरमाइंड बीएन तिवारी, करण पाल, भूदेव, ललित, दीप्ति बहल जैसे महाघोटाले बाजों पर हाथ डालने से पुलिस कतरा रही है। इस बीच आंदोलन की बागडोर संभाल रहे मुन्ना बालियान राजकुमार आदित्य ने पीड़ितों के लिए एक नया वीडियो जारी किया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं वे इस वीडियो में। भाई मैं मुन्ना बालियान, मैं राजकुमार फौजी भाई की तरफ से और सुभाष फौजी अंकल की तरफ से, अजेंदर और अरुण की तरफ से सभी भाई पीड़ित भाइयों को राम राम करता हूँ। बा दोस्तों, जैसे कि आपको पता देख रहे हो, जब जब भी आपने कोई बड़ा आंदोलन करो तो शासन प्रशासन में कुछ हरकतें हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देना चाहता हूँ, कल वाला जो कल एक उठा डायरेक्टर पर, मतलब बात ऐसी है, ये छोटे मोटे डायरेक्टर उठाने से काम नहीं चलेगा भाई। मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, जो हवेल मछली बड़े मगरमच्छ है, जैसे कि बीएन तिवारी मास्टरमाइंड, करण पाल, भूदेव, सचिन भाटी, दीप्ति बहल, पवन भाटी, कुल मिलाकर 58 ठग है और ये फरार है। और शासन प्रशासन ये छोटे मोटे को पकड़ कर दिखाते हो कि हम कार्रवाई करिए, कुछ भी कार्रवाई हमसे संतोषजनक नहीं है। मैं शासन प्रशासन को बता देना चाह रहा, खासकर मोदी जी को, मोदी जी फौज जो सेना होती है भारत की रीढ़ की हड्डी होती है, और मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, एक अभिनंदन को लाने से गर्व से सीना तो चौड़ा हुआ, मगर अफसोस आज सर शर्म के मारू झुक रहा, क्योंकि आज 6 लाख फौजी उस कगार पे आपकी सत्ता में, एक कंपनी बाइक बोट,
इस कंपनी को जो एमडी संजय भाटी, बीएन तिवारी, दीप्ति बैल, सचिन भाटी, करण पाल, भूदेव, ये कुल मिलाकर 58 ठग है। इन्होंने उस कगार पर पहुंचा दिए वे भाई मेरे फौजी। आकाज वे अगर जो नए इंसाफ नहीं मिला, उनका पैसा वापस नहीं मिला, तो वे 6 लाख सैनिक आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाएंगे। रही बात, मैं अपने भाई जो पीड़ित भाई है उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ। जिस भाई को ये दिमाग में फतूर हो, अगर पैसा नहीं मिले, ये हम लिख कर दे रहे चैलेंज करके, तुम साथ दो, पैसा, पैसे की गारंटी है इस मुन्ना की और इन सब भाइयों की, क्या भाटी हमारा पैसा हजम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कारण है, कब कर सके, जब हम कमजोर पड़ जाएंगे। दोस्तों, 8 लाख जनता पीड़ित है। आज इस मुन्ना को, इन भाइयों को, सबको आपकी जरूरत है। आने वाले 4 नवंबर को एक उग्र आंदोलन डीएम ऑफिस पर होगा और उसमें सभी भाइयों से अपील है, कोई भी बाइक बोट पीड़ित भाई घर ना रहे, सिर्फ आज मुझे आपका साथ चाह रहा दोस्तों, सिर्फ साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय किसान। इन पीड़ित निवेशकों का कहना है कि वे हार मानने वाले नहीं हैं। अगर जोर पड़ी तो जेल भरो, रेल व यातायात रोको जैसे आंदोलन के लिए भी उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। 4 नवंबर को उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों से जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने का आह्वान भी किया है। बनी रहेगी हमारी इस खबर पर नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।